ये देखिए, तो देखिए आपके अंकल की तबीयत खराब हो गई इधर। थोड़ा दूर हो जाओ, हवा आएगी, थोड़ा दूर हो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ऑक्सीजन की कमी आ रही है, पानी पीना है ऑक्सीजन की। आओ बैठो, आओ थोड़ा सा आगे आओ। कोई जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु ध्यान दें, बूढ़े बुजुर्ग और जिनको सांस लेने में दिक्कत है वह यात्री बाबा बर्फानी की यात्रा ना करें। हमने लोगों को अपनी आंखों के सामने बीमार होते हुए देखा है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बाबा बर्फानी। भैया की एक टांग नहीं है भैया, फिर भी यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए एक श्रद्धालु ने प्रॉपर पूरा बर्फ का गोला उठा रखा है। ये देखिए इस तरीके से। क्या यूट्यूबर है? क्या यूट्यूबर है? कितने सब्सक्राइबर है? अभी 87 के हैं। 87? हाँ, 87,000। जय बाबा बर्फानी, स्वागत है आपका मेरी एक और यात्रा में। आज हम बालटाल से बाबा बर्फानी की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और इस यात्रा में आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप यहाँ आए तो आपको घोड़े पालकी का किराया क्या होगा। लेकिन मैं उनको आपको अवॉइड करने ही बोलूँगा कि आप घोड़े और पालकी ना ही लें। यहाँ पे हेलीकॉप्टर चॉपर की भी सुविधा है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको तत्काल में उसकी बुकिंग मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो आप निश्चिंत आ जाएं। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब भी आपकी यात्रा 1 से 2 दिन में यहाँ पे हो जाएगी। और 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा बफर लेकर आए क्योंकि यहाँ पे हमें 2 दिन रुके हुए हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमारी कल यात्रा स्टार्ट होगी 9 तारीख को, जबकि हम 10 तारीख को, क्योंकि हमको 8 तारीख को होनी थी, तो 2 दिन का हमारा ऑलरेडी बफर हो चुका है। तो आप एक्स्ट्रा 2 दिन का बफर लेकर आएँ। और यहाँ पर RFID कार्ड कैसे बनेगा, यहाँ पर टेंट का क्या रेट है, यहाँ पर आकर आपको और मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिलेंगी, वो सब यात्रा से रिलेटेड। कितने कहाँ कहाँ पर आपको लंगर मिल जाएगा, आपको खाने को सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस कंप्लीट वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इस साल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बाबा बर्फानी की इस बालटाल से हमारे यात्रा को। जय बाबा बर्फानी। आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, यात्री निवास, श्रीनगर, बीस कैंप और बालटाल सब जगहों पे RFID कार्ड मिल जाएगा। और RFID कार्ड के लिए आपको यात्रा परमिट और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा बस। और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप जम्मू यात्री निवास से अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा कर सकते हैं। तो आप यहाँ आ जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इस टाइम हम लोग बालटाल में हैं और हम यहाँ शाइन बोर्ड के हाइट्स में रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग 5 लोगों को 3200 रुपये पर नाइट का रेंट देना होगा, जिसमें कि पर हेड 640 रुपये आ रहे हैं, जबकि टेंट आपको 300 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा अगर आपका बजट कम है तो। बट ये टेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बारिश और तूफान से जो हवा और पानी आपको टेंट पर लगता है उससे बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है हाइट्स के अंदर। और आपको यहाँ अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है जहाँ आप गर्म पानी से अंदर बाथ भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको कॉमन वॉशरूम के लिए ठंड में बाहर नहीं जाना पड़ेगा सुबह सुबह तैयार होने के लिए। अगर आप भी यहाँ हाइट्स की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करके अपनी एडवांस से बुकिंग करा सकते हैं यहाँ शाइन बोर्ड के हाइट्स के लिए। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और इस समय देखिए पालकी वाले लग चुके हैं। हम सब लोग अपना बस ये हाइट में रुके थे तो हाइट को लॉक कर दिया और 5 लोग चल दिए हैं अपना यात्रा की तरफ। यात्री रात 2 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं, 3 दिन से यात्रा बंद है, तो लोग हजारों के दर्द में यात्रा करने वाले हैं। लगभग 2 से 3 घंटे हमको भी लग जाएंगे आज यात्रा चेक पॉइंट तक पहुंचने में, इतनी लंबी लाइन है आज। नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती है यात्रा में। जस्ट ऊपर से चेक पॉइंट क्लोज किया, चेक इन पॉइंट 3 बजे से लगे लाइन में। 3 दिन का रश था, 3 दिन का अच्छा खासा रश था श्रद्धालुओं का, तो एक संग निकाला सबको। और अभी हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ पे आपको घोड़े वाले मिलते हैं, पालकी वाले भी आगे जाके मिल जाते हैं और तीनों एक साथ चलते हैं बालटाल वाले ट्रैक पे। मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ इस समय का, सुबह का क्या नज़ारा हो रखा है 4:30-5 बजे के बीच का। बस बस यात्रा स्टार्ट करने से पहले ही हमने चाय और यहाँ पे ऐसे बिस्कुट और रस का हमको प्रसाद मिल रहा है रास्ते में, तो यहाँ हमें लंगर में पोहा मिल रहा है स्टार्टिंग में सुबह सुबह। थोड़ा पोहे का प्रसाद लेके चलते हैं। जय बोलेगी कि देखिए रास्ते में किस क्या क्या हमें नाश्ते में मिल रहा है। बाहर पोहा खाया हमने, अंदर बिस्कुट है, यहाँ पे देखिए
केक पीस है, कॉर्नफ्लेक्स है, और यहाँ पर शायद ये खीर टाइप की पड़ी है, दलिया दलिया। और यहाँ पर देखिए ब्रेड भी सेकती दी जा रही है मैं सुबह सुबह, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी, आराम से आप खाते पीते भगवान के दर्शन करने जाइए ऊपर की तरफ। ये देखिए, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना ऊपर आके आपको दिखा रहा हूँ व्यू। ये देखिए कितने श्रद्धालु आए हुए, चार दिन का जो जाम लगा था यात्रा का वो खुल चुका है, और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है बाबा बर्फानी की यात्रा का। यहाँ से आगे का जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट हमारा और टफ होने वाला है, चढ़ाई आएगी। ये प्लेन रास्ता था, मैंने आपको चेक पॉइंट दिखाया, और बाकी सारी यात्रा की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। को भी कंडीशन दिखा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा की, कि कैसे रूट में जाम लगा हुआ है पूरा, एक तरफ पालकी वाले, बीच में पालकी वाले, उधर घोड़े वाले, उस तरफ इस पतली सी लाइन में हम लोग चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी हालत हो रखी है अभी अमरनाथ यात्रा की, ये देखिए, देखिए आपके अंकल की तबीयत खराब हो गई इधर। थोड़ा दूर हो जाओ, हवा आएगी, थोड़ा दूर हो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, पानी पिला दो, पानी गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी। तो देखिए इस तरीके से श्रद्धालु बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं, क्राउड देख लीजिए आप, क्राउड अगर आप आ रहे हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं तो सोच समझ के ही आइए, इतने बड़े क्राउड में, देखिए इतना बड़ा क्राउड है और इस क्राउड में लोग खड़े हुए हैं, और इस तरीके से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं वहाँ पे, तो सोच समझ के आइए अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो। तो हमने काका को भी गोली दी है, तो ऐसे ही बहुत सारे बुज़ुर्ग रास्ते में यात्रा कर रहे होते हैं, तो उनको धक्के बुक्के मत मारें, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आप साइड में खड़े हो, जब तक यात्रा स्टार्ट नहीं हो रही है ना, आप साइड में ही खड़े हो जाएँ, भीड़ में ना लगें। जब यात्रा खुलेगी तो ऑलमोस्ट सब एक साथ दर्शन करने ऊपर पहुँचेंगे, कोई आधा घंटा पहले, कोई आधा घंटा बाद, बट लेकिन दर्शन सबके होंगे। तो वेट करिए अपने नंबर आने का, भागा भागम भाप मत लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा यात्रा मार्ग स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे पीछे चेक इन हो गया, और आर्मी वाले यहाँ पे एक ऊपर चेक इन करते हैं, बैग एक चेक इन हो गया, उसके बाद हम इन जैसे ग्रीन रंग की रेलिंग्स है, इस रेलिंग्स को क्रॉस करके हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे आगे का मार्ग देख। तो यहीं तक था पक्का रास्ता, यहाँ से कम 2 किलोमीटर का हमने पक्का रास्ता कवर किया है, यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया अब, और ये रास्ता आगे जाके और छोटा होता जाएगा जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। यात्रा में यहाँ पर आपको बैठने के लिए सुना है सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, अगर कोई यात्री थक जाता है तो वह सीढ़ियों के आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है, एंड देन अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ये आगे जो आप भैया जी को देख रहे हैं वो एक मुस्लिम परिवार से हैं, और उनकी एक टांग भी नहीं है, फिर भी वह बाबा बर्फानी की इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं, ऐसे होते हैं बाबा बर्फानी के भक्त। कहाँ से हैं भैया जी आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा सिटी? सल्यूट है भैया आपको, भैया की एक टांग नहीं है भैया, फिर भी यात्रा कर रहे हैं, और लोगों को देखिए, बिल्कुल बाबा को पाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बाबा सुनेंगे, जय बोलेगी। कहाँ से आप? मैं कश्मीर। कश्मीर में घोड़ा चलाते हैं? घोड़ा चलाते हैं। कितने पैसे लेते हैं घोड़े का? घोड़े का 3400 से 5000 रुपये अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन, और एक तरफ का 2850 रुपीज़। 50 रुपये वो जो सर्विस चार्ज लगता है, 50 रुपये यूनियन का फीस करता है। 2800 आपका सही है। ये देखिए ऐसे घोड़ों के ऊपर 4-4, 8-8 सिलेंडर लोड करके लाते हैं, कितना लोड डाल रखा है इनके ऊपर, क्या चीज़ है? नींबू पानी लगता है सब कुछ रहा। तो हम यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो थोड़ा सा हाइड्रेट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा पानी वानी जैसे नींबू पानी पी के चलोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चक्कर वक्कर नहीं आएंगे, और आपसे आपको गला भी नहीं सूखेगा, और आप यात्रा आराम से कर पाएंगे। खट्टा है तो थोड़ा खट्टा बता रहे हैं, बट आप कोई नहीं पीते हैं और निकलते हैं ऊपर की तरफ, यात्रा कम्प्लीट करते हैं आज बाबा और पानी की। दिन में आपको चांद के दर्शन हो रहे हैं 8:30 बजे। ये देखिए कितना क्लियर वेदर, और 2 दिन पहले यहाँ काले बादल छाए हुए थे पूरे। कहाँ से भाई जी? हम सोनीपत हरियाणा भाई जी। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हमें यहाँ पर 4 दिन हो गए भाई जी, और भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, और तरस गए। तरस नहीं गए, आज सावन का पहला सोमवार है, सही दर्शन दे रहे हैं भोले बाबा आपको,
दो दिन आपको वेट कराया कि आप सोमवार को दर्शन करो। मैंने पूरी वेट कर रखी। कैसे हुए दर्शन आपके? यही लंगर में रुके थे क्योंकि पेरेंट्स हैं। यहाँ पर स्टे हो रहा है मतलब इस रूट पर बालटाल वाले रूट पर? नहीं बालटाल जो लंगर है ना वो लोग खाली ऐसे कटसी में स्टे कोई नहीं है। परमानेंट स्टे कोई ऐसा है नहीं। पापा की थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी तो फिर मम्मी पापा थी और बड़ी बहन साथ में है तो फिर उन लोगों ने रुकने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। यही रास्ते में 500-600 मीटर पे 500-600 मीटर। ये मारुति पक्षी सब पूरी मेहनत करते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए और सबको अपना सहयोग देते हुए और सबके साथ प्यार बांटते हुए मारुति पक्षी फ्रॉम आगरा। थैंक यू भैया जी। देखिए भैया जी कहाँ से आए आप? अमृतसर से आए हैं भैया जी। लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन कराने लाए हैं यहाँ पर बाबा बर्फानी के। ये देखिए यही लैंडस्लाइड हुआ है लग रहा है। यहाँ पत्थर आए नीचे सारे, ये देख रहे हैं आप यही हुआ है। ये बस ब्लॉक कर रहे हैं जगह को। चलते रहिए। ऑक्सीजन कभी आ रही है? पानी पीना है ऑक्सीजन की? आओ बैठो आओ थोड़ा सा आगे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आओ कुछ नहीं होगा आपको। आ जाओ हल्का चलो मेरे साथ, पानी पिलाता हूँ आपको ग्लूकोज वाला। हो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आगे चलो, दो मिनट चलो बस, साथ दो मेरा है ना भैया। ठीक है आ जाओ मेरे साथ आओ। देखिए ऐसे घबरा गए भैया, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। होता नहीं है ऐसा, सांस फूलती है तो हमें ऐसा लगता है, तो थोड़ा हल्का हल्का गला गीला करते रहो, पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया होगा, सब दर्शन अच्छे होंगे। पर थोड़ा यहाँ से सबके लिए करेंगे। ये देखिए गंदगी का पहाड़ बरारी टॉप के ऊपर, कितनी प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक इकट्ठा हो रखा है। ये यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो कभी भी आप पहाड़ों पर आए तो कम से कम प्लास्टिक को ऐसे मत फेंकें। ये देखिए यहाँ कितना ऐसे डस्टबिन भी नहीं है, प्रॉपर एकदम पहाड़ सा बन गया है। तो पहाड़ों पर यही वैलीज में प्लास्टिक रह जाता है, इसकी वजह से हमारी वैलियाँ ख़राब हो रही हैं। तो प्लास्टिक अगर आप साथ ला रहे हैं तो अपना कम से कम अपने साथ बैग में डालें, ऐसे ना फेंकें, उसका भाई यही हाल होता है वैलीज़ में। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर आपको पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर पहले छोड़ेगा, वहाँ से आपको फिर से पालकी या घोड़ा लेना होगा अगर आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया 14 किलोमीटर में से, और अब हम यहाँ से सीधे अपने जो मार्ग कवर करेंगे ये हमारे होली जीप की तरफ जाएगा। और ये बिल्कुल भी कठिन रास्ता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन रास्ता है यहाँ से, क्योंकि ये बरारी टॉप यहाँ पे एंड होता है और यहाँ से हमारा आगे का जो केव का रास्ता है वो बहुत ही 6.5 किलोमीटर रह जाता है और बहुत ही स्मूथ है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, स्लोप्स नहीं है, चढ़ाई नहीं लगेगी आपको फील होगी इस वाले मार्ग पर, आगे वाले मार्ग पर जो बस हम अब कवर करेंगे जल्दी से। अब तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ग्लेशियर, जो इतना बड़ा ग्लेशियर है और इसके नीचे से पानी बह रहा है, और रास्ता मार्ग एक और दिया गया नीचे से, मैं आपको दिखाने लाया हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से मत जाइएगा, आपके जूते वूते सब गीले हो जाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाने लाया हूँ बस कि यहाँ से कैसे पूरा पानी निकल रहा है और कितनी चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई देखिए ग्लेशियर की, कितनी चौड़ी बर्फ़ की, पूरा ग्लेशियर, ये पूरा झरना बहता है, तो ये झरना पूरा जम चुका है आज के डेट में और इसके नीचे से पानी आ रहा है, तो ज़्यादा सेफ़ नहीं है खड़ा होना, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर निकल आया तो हमको भी भाग के ले जा सकता है। ये देखिए इस तरह ये ग्लेशियर, पहली बार अमरनाथ यात्रा में ऐसा ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा विशाल ग्लेशियर ये देखिए, और यहाँ से पानी निकल रहा है। अब मैं आपको नीचे वाले ट्रैक से लेकर चलता हूँ, ये ग्लेशियर था बहुत ही प्यारा। अगर आप अमरनाथ यात्रा में बालटाल के रास्ते से आएंगे तो बालटाल के रास्ते में आपको ये ग्लेशियर दिखाई देगा, तो आप पिक्चर वगैरह क्लिक करा सकते हैं इस ग्लेशियर के आगे, तो बहुत ही बड़ा विशाल ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। शोभित भाई चिल्ला नहीं आए हैं बस भंडारे में बरारी टॉप पर, हम भाई चिल्लर फ्लो पर चखते हैं, और अगर कुछ और चिल्ला एक्स्ट्रा लेंगे तो लेंगे, पर अच्छा लगेगा, तो अदरवाइज आगे की तरफ अपना यात्रा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं और यहाँ हमारे आगरा का भी एक भंडारा लगा हुआ है, बट अभी हम ऑलरेडी पीछे भंडारे में करके आ चुके हैं लंगर, तो अब यहाँ नहीं रुक रहे। बट यहाँ अलग अलग समाज के, अलग अलग सिटीज़ के, ज़्यादातर पंजाब के मुझे दिख रहे हैं, लुधियाना जलंधर अमृतसर के मुझे नीचे दिखा है, यहाँ पे एक आगरा का मुझे पहले एक विशाल भंडारा दिखा है। तो लंगर आपको मिलते रहेंगे जहाँ आपको भूख लगे वहाँ रुक के आप अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, घोड़ों के लिए है और ऊपर वाला यात्रियों के लिए है। तो बहुत जगहों पर घोड़ों के लिए रास्ते अलग करने की कोशिश करी गई है, तो अलग अलग रास्ते बना दिए गए, जैसे कि
हम जैसे पैदल यात्रियों को प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे लिखा भी है देखिए डेंजर जोन, तो जिस ट्रैक पर अभी से श्रद्धालु चल रहे हैं, नीचे तो बूढ़े का चरण अलग चल रहा है, तो उसको डेंजर जोन बोला जा रहा है। ये इस तरीके के लकड़ी के पुल बना देते हैं ये लोग आर्मी वाले, तो ये टेम्परेरी हैं। जो झरने आते हैं अभी बहुत कम कम पानी दिख रहा है झरनों में, लेकिन जब ये विशाल रूप ले लेते हैं ना झरने, तो ये पुल भी उखड़ के नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये भाव देखिए झरने का, पीछे बरारी टॉप क्या कि जो सेपरेट ट्रैक दिखाया था जहाँ पर वो डेंजर वाटरफॉल्स भी आए, तो इसको काली माता ट्रैक बोला जाता है। पहले बरारी ड्रॉप आता है, उसके बाद काली माता ट्रैक, उसके बाद संगम। तो जैसे ही काली माता ट्रैक हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम पहुँचेंगे संगम पे, जहाँ पे दोनों के दोनों रास्ते मर्ज होते हैं, पहलगाम और बालटाल के दोनों। उस पॉइंट पे हम पहुँचने वाले हैं संगम पे थोड़ी देर में। तो गाने यहीं से ऑलरेडी काली माता ट्रैक से स्टार्ट हो जाती हैं, तो लगभग 4 किलोमीटर पहले से आपको दुकान देखने लगेंगी। आपको लेना है तो प्रसाद ले लो चढ़ाने के लिए, बट चढ़ाया नहीं जाता है, वो ऐसे दूर से टच करके दे देते हैं। तो घर के लिए ले जाना तो घर के लिए ले जा सकते हो, यहाँ से मेवे का प्रसाद होता है बस। तो यहाँ से आपको मैं पहला व्यू दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ बाबा की केव की। ये देखिए, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एकदम सेंटर में आपको गुफा देखेगी बाबा की। ये दिख रही है आपको बाबा जी की गुफा, ये पवित्र गुफा। आपको ऑरेंज रंग की सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, यहाँ से श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। यही मेन गुफा है जहाँ हम आपको अभी अंदर जाकर दर्शन कराएंगे बाबा जी के। जय बाबा बर्फानी। तो यहाँ पे जो काली माता ट्रैक था स्टार्टिंग में, उनकी मूर्ति भी लगी है काली माता की, वो सामने बाबा का गुफा है, वो उसके जस्ट सामने ही आपको यहाँ काली माता का की मूर्ति भी दिखती है। ये पहाड़ के बीच में, ये कहते हैं नेचुरल निकली है, यहाँ पे किसी ने बनाया नहीं है इस मूर्ति को। ये जो गुफा तक जाने का जो रास्ता है ना, वो इतना नैरो है कि यहाँ पे एक बार में एक ही आदमी जा सकता है एक साइड से, और एक साथ से एक आदमी आ सकता है। बीच बीच पर लकड़ी के ऐसे पुल लगाए गए हैं पैचेस जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रास्ता भी नहीं है, तो लकड़ी के पुल बनाए गए हैं। देखिए ये देखिए, ये बर्फ़ जमी हुई है पूरी, ये झरने हैं, झरने बर्फ़ में बन गए, तो इस समय ये पूरी नदी जमी हुई है। देखिए लोग उस पर चल रहे हैं, खच्चर वाले चल रहे हैं उस पर। इसके नीचे से पानी बह भी रहा होगा, लेकिन इसकी लेयर 15-20 फुट नीचे जमी होती है, इसलिए लोग इस पर चल पा रहे हैं अभी। तो मैंने आपको दिखाया है पीछे जो ये देख रहे हो, जो नदी निकल रही है होली केव के पास से ही, यहाँ पे सारे श्रद्धालु इस ठंडी ठंडी बहती नदी में स्नान कर रहे हैं और फिर दर्शन करने जा रहे हैं। एक एमरजेंसी हेलीपैड है जहाँ पर सिर्फ आर्मी के हेलीपैड लैंड होते हैं। आपको 15-20 जगह इस तरीके के आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते में, जिन्हें आप क्रॉस करके ही बाबा के होली केव के दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। और ये आखिरी मुझे झरना दिख रहा है, जिसके पत्थर जो बर्फ़ है ना, वो पत्थर बन बन के नीचे गिर रही है, एकदम गोल गोल पत्थर का रूप ले लिया स्टोन का। ये देखिए, एक श्रद्धालु ने प्रॉपर पूरा बर्फ़ का गोला उठा रखा है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये फॉर्म देखिए, फॉर्म है, बहुत सॉफ्ट बर्फ़ है, ये देखिए इस तरीके से। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, बाबा बर्फानी। तो श्रद्धालुओं में बहुत जोश है बाबा के दर्शन, जैसे होली केव के पास पहुंच रहे हैं, बस जयकारे लगाए जा रहे हैं बाबा के, सारी थकावट दूर हो चुकी है श्रद्धालुओं की, जितनी भी ट्रैक करके आए हैं। तो हम बस पहुंच गए हैं होली केव के जस्ट बाहर, खड़ा हूँ उस समय में, क्लॉक रूम सही है, अपना मोबाइल और कैमरा मैं सबमिट करूँगा क्लॉक रूम में, क्योंकि शायद बुटकी जो बाबा की जो होली केव है वहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। मैं जूम करके बस आपको यहीं से दर्शन करा पाऊँगा। मैं पहले प्रसाद लेता हूँ, क्लॉक रूम में अपना कैमरा लगता हूँ, फटाफट दर्शन करता हूँ, 4 बजे के बाद दर्शन नहीं होते। दर्शन करने के बाद मैं आपको पूरा ये जितना भी एरिया है अमरनाथ बाबा की पूरी पूरी पवित्र गुफा के आसपास का, वो सब एक्सप्लोर कराऊंगा। जय बाबा बर्फानी। मैंने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, आप भी दर्शन करने आए तो कम से कम 1-1.5 घंटे का बफर रखें। शाम को 4 बजे के बाद दर्शन नहीं होते, सुबह 6 से शाम 4 के बीच में दर्शन होते, और यहाँ स्टे करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो आपको शाम को अपना नीचे बालटाल या पंचतरणी लौटना होगा, अगर आप पहलगाम के रास्ते जाना चाहते हैं। तो अगर आप दर्शन करने आ रहे हो और आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, अपने घर का प्रसाद भी ला सकते हैं। मैंने देखा लोग लाए हैं और लोगों ने चढ़ाया है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बाबा बर्फानी के दरबार में। अभी ऊपर ऊपर रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे सर, यहाँ से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा। जब पूरी बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये पूरी बाउंड्री है। जब लास्ट ईयर बादल फटा था, तो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से बाबा बर्फानी के दरबार के बगल से ही
बादल फटा था तो यहाँ पर रहने का स्टे बंद कर दिया गया है। इसलिए इस साल जितनी भी यात्राएं हो रही है उसमें यहाँ पे स्टे का कोई बंदोबस्त नहीं है। लास्ट साल जो हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पे स्टे की बंदोबस्त स्टे का एकदम J&K गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सब यहाँ पे स्टे का पूरी व्यवस्था बंद कर दिया। आप एक भी इंसान यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। तो ये था नज़ारा। अब मैं आपको एक जूम करके यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको दूर से बाबा बर्फानी कैसे दिखते हैं। आप भी आए तो आप दर्शन जरूर करिएगा। जय बाबा बर्फानी। आपको दिख रहे हैं लोग जाते हुए दिख रहे होंगे आपको बाबा बर्फानी के दरबार के अंदर। बस वो पीछे अगर आप ढंग से, अभी अंधेरा है वरना आपको बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाते, लेकिन ये पूरा उनका दरबार दिख रहा है आपको और सारे श्रद्धालु आपको दरबार में जाते हुए नज़र आएंगे। ये पूरा दरबार है हमारे बाबा बर्फानी का। ये देखिए कितने श्रद्धालु आए हैं। और जो पिछले तीन चार दिन से मौसम ख़राब था उस वजह से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यात्री आ जाए हैं। ये देखिए नीचे का, आप नीचे का मंदिर देखिए एक बार और यहाँ पे भीड़ देखिए। लगभग यहाँ पे 50,000 आदमी आज भी शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन दर्शन के लिए अभी भी 20-30,000 आदमी यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो दर्शन के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन 4 बजे के बाद मोस्टली दर्शन नहीं होते, लेकिन लोग भी अभी भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो देखिए आपका भी सौभाग्य हो तो आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने आइए। अब हमने आपको करा दिए बाबा बर्फानी के दर्शन लाइव। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख के जरूर जाइएगा और आपका भी मौका लगे तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जरूर आइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और यात्राओं की वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।